हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइकी फार्मेसी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम फार्माकोलॉजिकल क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट नाउ, डोंट टाइम वेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इज लीस्ट लाइकली अकर्स इन। सबसे कम जो मेटाबॉलिज्म है ड्रग का वो कहाँ होता है, सबसे कम? तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं लीवर, स्किन, किडनी एंड ब्रेन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा स्किन। जो स्किन है हमारी, उसके अंदर सबसे कम मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, लीस्ट मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स मेनली अकर्स इन। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का वो मेनली कहाँ होता है? तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं लीवर, स्किन, किडनी, ब्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के अंदर होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स इज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर्स, एंजाइम रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो सबसे बड़ी जो फैमिली होती है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, टोटल वाटर कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल वाटर का कंटेंट है वो कितना होता है? तो ऑप्शन से हमारे सामने 10 लीटर, 25 लीटर, 5.5 लीटर एंड 40 लीटर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 40 लीटर। हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो 40 लीटर होता है। बट इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, एफिकेसी ऑफ ए ड्रग इंडिकेट्स। जो एफिकेसी है ड्रग की वो क्या इंडिकेट करती है? हमारे सामने ऑप्शन हैं अमाउंट ऑफ डोज एडमिनिस्ट्रेशन, नो, बायो अवेलेबिलिटी, नो, डिग्री ऑफ इफेक्ट। दिस इज राइट आंसर, दिस इज राइट ऑप्शन। डिग्री ऑफ इफेक्ट है वो ड्रग एफिकेसी है ड्रग की वो इंडिकेट करती है। दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेरटोजेनिक विटामिन इज ए। तो हमारे सामने ऑप्शन हैं विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन ओ, फोलिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन ए। व्हाई? रीजन ये है कि जो विटामिन ए है वो टेरटोजेनिक नेचर का क्यों होता है? बिकॉज विटामिन ए इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन है। जो विटामिन ए है वो क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। देखिए, मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ कि जो विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। जो विटामिन ए है उसका नेम है रेटिनोल। विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन ई इज टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इज विटामिन ई एंड विटामिन के इज फाइलोक्विनोन। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो टेरटोजेनिक विटामिन है इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। बिकॉज जो विटामिन ए है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो विटामिन ए है वो हमारे लीवर के अंदर क्या होता है? स्टोर्ड हो जाता है, और स्टोर्ड होकर लीवर के अंदर क्या करता है? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, दिस विटामिन इज ए टेरटोजेनिक विटामिन। टेरटोजेनिक मतलब होता है कि ऐसे एजेंट्स जो फीटस को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी ड्रग्स जो फीटस को क्या पहुंचाती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। उन ड्रग्स को मैं क्या बोलता हूँ? टेरटोजेनिक ड्रग्स। और इस हमने क्वेश्चन पूछा है कि जो विटामिन है इनमें से
वो कौन सा है जो टेराटोजेनिक नेचर का है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए, बिकॉज ये हमारे लीवर के अंदर स्टोर्ड हो जाता है और स्टोर्ड होकर क्या करता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, इसलिए विटामिन ए इज ए टॉक्सिक विटामिन टेराटोजेनिक इन नेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है कि गाबा कौन सा नेचर का न्यूरोट्रांसमीटर है, तो गाबा मींस गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, नॉट ए न्यूरोट्रांसमीटर, इट्स एक्शन आर एंटागोनाइज्ड बाय नैलेक्सोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाबा इज ए इनहिबिटरी टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। जो गाबा है वो इनहिबिटरी टाइप का क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो एक नर्व से दूसरी नर्व के पास मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, उनको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन इज, जो इंसुलिन है उसका फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट कौन है, तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हमारे सामने ऑप्शंस हैं पैरासिटामोल, ग्लाइकोजन, एड्रिनलिन एंड ग्लूकोज। इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन, बिकॉज व्हाई, जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ इंसुलिन का वो क्या है, जैसे कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ कि जो हमारी पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, ठीक है, उसके अंदर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स इसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लाइकोजन का सीक्रेशन करती हैं एंड बीटा सेल्स आर सीक्रेटेड इंसुलिन हार्मोन एंड डेल्टा सेल्स आर सीक्रेटेड सोमेटोस्टेटिन। डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन करती हैं। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या है, ग्लाइकोजन, वो अल्फा सेल्स के थ्रू सीक्रेट होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ गया है तो इंसुलिन क्या करता है, उसको एंटागोनाइज करता है। सेम अगर ग्लाइकोजन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा है तो इंसुलिन उसको कम करता है, अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा है तो उसको ग्लाइकोजन कम करता है। इन दोनों को मेंटेन कौन करता है, हमारा जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो दोनों को क्या करता है, मेंटेन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पायरोनोलैक्टोन इज, स्पायरोनोलैक्टोन इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। स्पायरोनोलैक्टोन जो है वो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स अभी डेफिनेशन यहाँ आती है कि जो डायूरेटिक्स हैं वो क्या होते हैं, डायूरेटिक्स आर द एजेंट्स विच इंक्रीज यूरिन फॉर्मेशन, ऐसे एजेंट्स जो यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स। यहाँ इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो स्पायरोनोलैक्टोन है उसका मेटाबोलाइट क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट, तो इसका मेटाबोलाइट है पैरासिटामोल, कैनरिनोन, एस्प्रिन, एल्डोफोस्पामाइड। इसका मेटाबोलाइट राइट आंसर है कैनरिनोन इज ए एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ स्पायरोनोलैक्टोन। स्पायरोनोलैक्टोन इज यूज एज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्टली ड्रग्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ, जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो मोस्टली किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पैसिव डिफ्यूजन। मेनली जो ड्रग्स होती हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। अब दूसरी चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, इसके अंदर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी चीज़ जो पैसिव डिफ्यूजन होता है उसके अंदर डू नॉट रिक्वायर्ड ATP, इसके अंदर जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ही जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज,
जो ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच कितनी होती है। इसमें ऑप्शंस हैं तुम हमारे सामने 6.0, 7.4, 8.0, 10.0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसमें भी जो राइट आंसर है वो रहेगा 7.35 to 7.45। दिस इज ए राइट पीएच ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड की राइट पीएच है 7.35 to 7.45 अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शन 7.4 है तो हम 7.4 को क्या करेंगे, राइट आंसर मानेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एसिटाइल कोलिन इज ए, एसिटाइल कोलिन क्या है, एस्टर है, एसिड है, ईथर है, एल्कोहल है। जो एसिटाइल कोलिन है वो है एस्टर। दिस इज ए राइट आंसर, एसिटाइल कोलिन इज ए एस्टर। ये एक एस्टर है एसिटाइल कोलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि बेसिक ड्रग्स मेनली बाउंड विद प्लाज्मा। जो बेसिक नेचर की हमारी ड्रग्स होती हैं वो मेनली कौन से प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे सामने ऑप्शंस हैं एल्ब्यूमिन, अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, गामा ग्लोबुलिन्स। तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये इसका राइट आंसर है। दूसरा इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दे रखा है एल्ब्यूमिन है, तो एल्ब्यूमिन को भी हम जान लेते हैं कि एल्ब्यूमिन के अंदर जितनी भी एसिडिक नेचर की ड्रग्स होती हैं, एसिडिक नेचर की जो ड्रग्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, उससे बाइंड होती है। और हमारे पास क्वेश्चन है बेसिक ड्रग किससे बाइंड होती हैं, तो बेसिक ड्रग मेनली अल्फा वन जो एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है उससे बाइंड होती हैं। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोड्रग इज ए, प्रोड्रग क्या है। तो प्रोड्रग हमारे सामने ऑप्शंस हैं, ड्रग इज एक्टिवेटेड आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यही इसका राइट आंसर है कि ड्रग क्या है, आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर मेटाबॉलिज्म, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारी ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती है। वो ड्रग्स हमारी क्या कहलाएंगी, प्रोड्रग्स। तो इसका ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15, मोस्टली ड्रग्स आर मेटाबोलाइज बाय द प्रोसेस ऑफ। जो मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो किस प्रोसेस से मेटाबोलाइज होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, हाइड्रोलिसिस एंड एसिटाइलेशन, डिसाइक्लाइजेशन एंड सल्फेट कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट ऑप्शन इज रिडक्शन एंड ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन। जो मोस्ट ड्रग्स होती हैं वो ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो मेटाबॉलिज्म है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कि जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली टू टाइप से होता है, या फिर मैं कहूँ जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो टू टाइप से होता है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था, जिसके अंदर हमारे मेनली रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया, डिसाइक्लाइजेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। ये सब प्रोसेस किसके अंदर आती हैं, हमारे जो फेज फर्स्ट है, और ऑक्सीडेशन भी इसी के अंदर आता है। सेकेंड जो फेज है उसके अंदर ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन आते हैं। तो मोस्टली ड्रग्स जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोनाइड जो कॉन्जुगेशन है उसके थ्रू क्या होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि वोलेटाइल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय। जो वोलेटाइल नेचर की जो ड्रग्स होती हैं वो किस रूट से हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। तो इन्हेलेशन रूट, सबलिंगुअल रूट, नो इंट्रावीनस रूट, नो इंट्रामस्कुलर रूट। जो इन्हेलेशन ड्रग्स होती हैं वो मेनली, सॉरी, जो वोलेटाइल नेचर की ड्रग्स होती हैं वो इन्हेलेशन रूट से हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम इन्हेलेशन रूट से रेट लेते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जो हम वोलेटाइल ड्रग्स होंगी, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जो इन्हेलेशन टाइप्स की ड्रग हैं उनको हम इन्हेल करते हैं तो उनका एक मेन साइड इफ़ेक्ट आता है, वो आता है हॉर्सनेस ऑफ
वॉइस, जो हमारी वॉइस है वो हॉर्सनेस टाइप की हो जाती है, घोड़े के जैसी वॉइस हो जाती है, वो इसका क्या है मेन साइड इफेक्ट है किनका, जो इनहेलेशन टाइप की ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इथेनॉल इज मेटाबोलाइज बाय द प्रोसेस ऑफ, जो इथेनॉल होता है वो किस प्रोसेस से मेनली मेटाबोलाइज होता है, तो हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑक्सीडेशन, जो इथेनॉल होता है ठीक है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से क्या होता है मेटाबोलाइज होता है, ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, विच काइंड ऑफ ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर किस टाइप की ड्रग्स हैं उनको हम क्या करते हैं अवॉइड करते हैं, इससे वेरी सिंपल क्वेश्चन, पोटेंट ड्रग्स, फोटोटॉक्सिक ड्रग, प्रो ड्रग्स, टेटोजेनिक ड्रग्स, दिस इज ए राइट आंसर। टेटोजेनिक जो ड्रग होती हैं वो हम प्रेगनेंसी के अंदर अवॉइड करते हैं, देखो किस तरीके से कि जो फीटस है, फीटस के अंदर ड्रग अगर एंटर करती है उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल रिएक्टिविटी चेंज करती है, एबनॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, मल फॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, तो उस ड्रग को मैं क्या बोलूँगा टेरेटोजेनिक ड्रग, मींस जो फीटस है उसको क्या करते हैं नुकसान पहुँचाते हैं फीटस को, ऐसी ड्रग्स को मैं क्या बोलूँगा दीज ड्रग्स आर टेरेटोजेनिक इन नेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि फ्राइड्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, जो फ्राइड्स फॉर्मूला है वो किस डोज को कैलकुलेट करने में काम आता है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्फेंट डोज, एडल्ट डोज, चाइल्ड डोज, पोल्स डोज। नो, इसका जो आंसर रहेगा राइट वो रहेगा फ्राइड्स फॉर्मूले का, वो उसका आंसर रहेगा इन्फेंट डोज। अब इसके अंदर बात ये आती है कि जो फ्राइड्स फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको इन्फेंट के लिए निकालते हैं, तो इन्फेंट डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज। ये क्या है इन्फेंट डोज हम इससे निकालते हैं ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्राइड्स फॉर्मूला, ये फ्राइड्स फॉर्मूला है एज इन मंथ्स अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाई एडवर्स एडल्ट डोज। दूसरी चीज इसके अंदर मैं बताऊँ आपको कि ये तो हुआ फ्राइड्स फॉर्मूला के बारे में ठीक है, अब हम डिस्कस करें कि जो यंग्स फॉर्मूला है उसके बारे में हम डिस्कस करें कि जो यंग्स फॉर्मूला है वो मेनली हम जो 4 to 12 ईयर के जो चाइल्ड्स होते हैं ठीक है उसकी डोज कैलकुलेशन करने के लिए हम यंग्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो यंग्स फॉर्मूला क्या कहता है कि एज अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज, दिस इज ए यंग्स फॉर्मूला, एज अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज, दिस इज ए यंग्स फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं कि जो डिलिंग्स फॉर्मूला है तो डिलिंग्स फॉर्मूला हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डिलिंग्स फॉर्मूला क्या कहता है एज अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई एडल्ट डोज, तो ये जो है वो है डिलिंग्स फॉर्मूला है जो क्या करता है मेनली जो 12 to 20 ईयर्स के ओल्ड बॉयज़ होते हैं उनकी डोज कैलकुलेट करने के लिए हम जो डिलिंग्स फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इन्फेंट डोज, फ्राइड्स फॉर्मूला है जो हम इन्फेंट डोज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एसिटाइल कोलिन इज ए, एसिटाइल कोलिन क्या है, दिस इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, ऑटोकॉइड्स, विटामिन, नो, इसका आंसर जो राइट रहेगा वो रहेगा न्यूरो ट्रांसमीटर, जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या है एक न्यूरो ट्रांसमीटर है ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, जो मैसेज है उसको एक नर्व से दूसरी नर्व के पास मैसेज को क्या करना ट्रांसफ़र करना। आशा करता हूँ, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम है वीडियो के अंदर, अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़, थैंक यू फॉर बींग हेयर।